Hello dear students, I hope you are fine. Okay, today we will do Hindi subject. Okay, so if you take out your Hindi CW book, page number 44. Okay, today we will do page number 44 and 45. Okay, see यहाँ पे क्या लिखा है, चित्रों को शब्द से मिलाओ, मतलब you have to do match the following. Okay, दोनों जगह पे आपको matching करना है. So let us do. Take a pencil in your hand. So first one you can see here, साप, सा के स में आ की मात्रा, सा और ऊपर चंद्र बिंदु है, मतलब साप. साप मतलब स्नेक. Where you can see स्नेक, ये सो वही. सो आपको ऐसे मैच करना है. ओके, देन आंख, आंख मतलब आईज. सो where you can see आईज, ये सो वही. सो यहाँ पे आप मैच करेंगे ऐसे. फिर चांद, चांद, चांद मतलब मून. ओके, हियर यू हैव टू मैच ओवर हियर. देन ऊंट, ऊंट, ऊंट मतलब कैमल. सो यू हैव टू मैच ओवर हियर. देन पांच, पांच, पांच मतलब फाइव. यस, हियर इट इज रिटन फाइव. यू हैव टू डू मैचिंग ऑल्सो. ओके, देन अंगीठी, अंग ग में बड़ी ई की मात्रा गी और ठ में भी बड़ी ई की मात्रा ठी. अंगीठी मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम आग जलाते हैं जिसमें, और मम्मा खाना भी कभी पकाते हैं इसमें, ठीक है. सो इसको हम अंगीठी बोलेंगे. यहाँ पे आपको मैच करना है. ओके डांस स्टूडेंट्स, ओके नाउ ऑपोजिट पेज यू हैव टू सी. देखिए यहाँ पे भी है, चित्रों को शब्द से मिलाओ, मतलब मैचिंग करना है आपको. ओके, ये क्या लिखा है, छह, छह मतलब छह, सिक्स के साथ मैच करोगे. ओके, देन दुह ख, दुह ख मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे, दुख. सो दुख मतलब सैड, दिस गर्ल इज सैड, नो. ओके, तो आपके यहाँ पे मैच करेंगे. फिर हमें र की मात्रा प्र और आ की मात्रा है तो प्रा, प्रातः. ओके, सो प्रातः मीन्स मॉर्निंग. ओके, सो यहाँ पे आप मैच करोगे. और फिर नमः, नमः मतलब प्रेयर. देखो दिस लेडी इज डूइंग द प्रेयर. ओके, सो यहाँ पे आप नमः को यहाँ पे मैच करेंगे. ओके, सो दिस पेज वी हैव डन. नाउ वी विल डू आवर प्रवेशिका. ओके, सो नाउ इन प्रवेशिका यू हैव टू टेक आउट स्किल सीट नंबर 44. ओके, यहाँ पे है वाक्य रचना. सो सी ओवर हियर, हरे भरे वृक्ष, व में री की मात्रा वृक्ष. हरे भरे वृक्ष, ये जो है लाइन इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं, मतलब जब आप फुल स्टॉप करते हो ना इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ पे हम खड़ी पाई करेंगे हिंदी में. ओके, सो हरे भरे वृक्ष. देन क्री, क में री की मात्रा कृषक, कृषक मतलब फार्मर. कृषि करता, कृषक कृषि करता, कृषि मतलब फार्मिंग करता है, ठीक है, फार्मर फार्मिंग करता है. देन केला, केला जलेबी सेब ला, फिर खड़ी पाई. सो केला जलेबी सेब ला. और यहाँ पे है बेटा लाल टेन झला, फिर खड़ी पाई. बेटा लालटेन जला, आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है. फिर यहाँ पे है सैनिक, स के ऊपर दो मात्रा मतलब सैनिक, सैनिक तैयार है, सैनिक तैयार है. और मैदा फैल गया, और फिर खड़ी पाई, मैदा फैल गया. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहले ट्रेसिंग करना है, फिर वन लाइन छोड़ के ही आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम लिखना है, मतलब फाइव टाइम्स आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, बोलते बोलते लिखना, ठीक है, थैंक यू.